बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल और मैं अंकित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आज के वीडियो में जनरली हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बच्चे का डिमांड था कि आप सर फैक्टराइजेशन को पढ़ाइए, तो आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन होता क्या है? ठीक है, तो समझते हैं इसको बहुत अच्छे से, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में जनरली हम जो फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो स्प्लिटिंग टर्म्स के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, टर्म्स को हम स्प्लिट करेंगे, उसके बाद उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, करना ये है आपको कि ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस 20, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है और हमें फैक्टराइज निकालना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने आते होंगे। आपको कॉमन फैक्टर्स कहने का मतलब कि ये एक आपका अल्जेब्रिक टर्म है। ठीक है, और इस अल्जेब्रिक टर्म में आपको तीन टर्म दिख रहा है अलग अलग, एक दो और तीन। तो ये तीनों टर्म में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन कहने का मान लीजिए ये और ये, यहाँ 18 होता, यहाँ 9x है, तो ये दोनों में तीन कॉमन होता। यहाँ पे ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल होता। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन हुआ। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें अगर मैं कॉमन की अगर बात करूं तो कॉमन दोनों में क्या है, एक एक्स दोनों में कॉमन है, तो उस एक्स को बाहर निकालते और ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालते, फैक्टराइजेशन कैसे करते, तो बाई कॉमन। ठीक है, कॉमन आप बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसलिए उसको हम फैक्टराइज कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ रूल सीखेंगे, स्प्लिटिंग रूल्स है, उसको हम स्प्लिट करना सीखेंगे। चलिए देखिए, इस फैक्टराइजेशन में जो मैं बेसिक सी चीजें बता रहा हूं उसको सिर्फ ध्यान रखना है, उसके बाद इजिली आप उसको बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये टर्म ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तीनों को अलग अलग टर्म में हमने बांट दिया है, ए बी और सी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ए इंटू सी करना है। ठीक है, ए इंटू सी करना है और ए प्लस सी जो होगा वो बी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, पहले ए इंटू सी करना है, उसके बाद उसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे और दो नंबर जो आएगा। ठीक है, हम बताते हैं आगे कैसे आप इसको करिएगा। जैसे हम ए और सी को मल्टीप्लाई किए, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर आया वो 20x स्क्वायर आया। ठीक है, क्या आया, 20x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा और इजिली बताने की। ठीक है, तो चलिए ए इंटू सी इज इक्वल टू 20x स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए और सी, मतलब दो ऐसे नंबर, इस ए सी से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जो बी के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, बी, मतलब इस बी से दो ऐसे नंबर बनाने हैं, दो ऐसे नंबर बनाने हैं कि ये दोनों नंबर बी के बराबर, जोड़ने पे दोनों नंबर बी के बराबर हो जाए। मतलब कहने का मतलब, मेरे पास 20 है, इस 20 को इस तरीके से तोड़ना है जैसे मैंने दो से किया 10 बार में, फिर दो से किया 5 बार में। ठीक है, यहां मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैंने अभी साइड में रखा है, इसका यूज बहुत कम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा 2 से 10 बार में 2 से 5 बार में। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो रिमाइंड करके देखिए, तभी अच्छे से समझ पाइएगा। तो यहाँ 2 से 10 बार में 2 से 5 बार में, ठीक है, हमने क्या बोला, ये जो बी आएगा, मतलब ये टर्म जो आएगा वो कोई भी दो नंबर का सम होगा। अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो नंबर हमें बनाने हैं, यहां से एक ये नंबर बन गया और एक ये नंबर बन गया, और दोनों को जोड़ने या घटाने पे हमें ये वाला टर्म आना चाहिए विथ प्लस साइन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हमने 20 को फैक्टराइज किया, हमें लाना कितना है,
प्लस 9 लाना है, क्या लाना है प्लस 9, और हमेशा दो नंबर के फॉर्म में तोड़ना है। तो एक नंबर अगर हम देखें तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और एक नंबर हमारे पास कितना है 5, ठीक है, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 5 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स इसके साथ और एक एक्स इसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब वो दोनों नंबर को वापस से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना ही आना चाहिए जितना ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे आया है, ठीक है। तो 4 इंटू 5 करिएगा तो 20, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, जोड़ने पे हमें बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या हो रहा है, 4x और 5x ये दोनों चीजें मिली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाले टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसको, ये वाले पूरे टर्म को, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 20, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अब क्या हमें दिख रहा है, हमने बताया था फैक्टराइजेशन मतलब आपको कॉमन निकालना सिर्फ सीखना है इसमें, ठीक है, जैसे जैसे आप कॉमन निकालिएगा आपका फैक्टराइज होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों जगह x कॉमन है तो x को बाहर ले लिए, अंदर यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, जो चीज है कॉमन लेंगे उसको बाहर लिखेंगे और जो चीज बच जाएगा उसको अंदर लिखेंगे, अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ x दोनों में कॉमन था तो x को बाहर लिख लिए, अंदर में x प्लस 4 बच गया, ठीक है। फिर देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस 5 कॉमन है, प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस 4 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों जगहों पे देखिए एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 फिर से कॉमन हो गया, तो हम x प्लस 4 को फिर से क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो जब बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो जो बच जाएगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर दिखाएगा, कोई साइन बीच में नहीं पड़ेगी, तो जो बच गया वो x और क्या बच गया प्लस 5, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप पहली बार सीख रहे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आप दो तीन क्वेश्चन देखिए आपको बहुत इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना रहता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, जो नंबर आएगा उसको दो भागों में तोड़ना है, मतलब दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो आपका पहले टर्म आया था a इंटू सी आया था वो आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किया इसको तोड़ा 20 को, 20 को तोड़ा दो से दो बार में, फिर दो से 10 आया, फिर दो से किए, फिर 5 आया, ठीक है। एक नंबर को मैंने 4 ले लिया, एक नंबर को 5 ले लिया, दोनों को जोड़ने पे हमें बीच वाला टर्म प्लस 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने उसको लिख दिया है, जो चीजें आपको है एक्स एक्स दोनों पे बैठा देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उस चीज को किया हमने इसलिए आंसर आपको आ गया। एक दो क्वेश्चन और को देखते हैं, तो देखिए एक और हमारे पास क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, सबसे पहले आप ट्राई करें। और हाँ एक और बात, जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट है, आपको होगा कि सर डाउट सर से कैसे पूछे, या ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपका करवाऊं इस बोर्ड पे, तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे जाना है, अगर आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हुए तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाना है, एडो विथ होप सर्च करना है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने के बाद आप उसमें क्वेश्चन को डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि या तो वहां पे आपको सॉल्व करके बता दूं, या फिर भाई वीडियो में उस क्वेश्चन को आपको एक सेशन क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन का सेशन करवाऊंगा जिसमें सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जितने भी डाउट पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ठीक है। अब मैं ए और सी के टर्म में नहीं लिखूंगा, सिंपल लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आएगा, 8x स्क्वायर आएगा, ये दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमें क्या मिलेगा 8x स्क्वायर। फैक्टराइज किसको करते हैं, जो नंबर कोफिशिएंट आया x स्क्वायर का, तो 8 आया, 8 को तोड़ना है और लाना है बीच वाले नंबर, बीच वाला नंबर क्या है माइनस 6 में, क्या है माइनस 6 में, मतलब हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लाना है, प्लस 8x स्क्वायर लाना है, ठीक है, और जोड़ने पे या घटाने पे हमें माइनस 6 लाना है, मतलब बीच वाला टर्म माइनस 6 लाना है,
कैसे लाएंगे? तो पहले इसको दो से फैक्टराइज करते हैं, तो कितना आ जाएगा, चार, फिर दो से फैक्टराइज। अब करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे एक नंबर दो हो गया, दूसरा नंबर चार हो जाएगा, तो चार और दो छह होता है, लेकिन दोनों किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तब अगर प्लस, आप बोल सकते हैं सर प्लस टू रखते प्लस फोर रखते, तो प्लस टू रखते प्लस फोर रखते तो प्लस सिक्स आता, लेकिन यहां चाहिए क्या, माइनस सिक्स, तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के पे ये वाला आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे हमें ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं, हमें पास नंबर क्या मिला, माइनस टू और माइनस फोर, दोनों के साथ एक एक्स बैठा देंगे, हमारे पास दो एक्स है ना, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट और एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो हम नंबर तोड़े हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए इसको अब हम सिंपल इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट, कोई दिक्कत समझने में, इतना बीच वाले नंबर को सिर्फ यहां से उठा और यहां शिफ्ट कर दी, इस वाले को गैप कर दी। ठीक है, अब देखिए दोनों जगहों पर x कॉमन, यहां क्या बच गया, x यहां क्या बच गया, माइनस टू, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। फिर से ये दोनों जगहों पर x कॉमन था, एक x को बाहर रख लिया, यहाँ कितना x बचा, दो x है, तो एक पहले बच गया, x बच गया, और यहाँ x बाहर ले लिया तो माइनस टू बच गया, कोई टेंशन नहीं, इतना समझने में। अब देखिए ये दोनों में क्या करेंगे, तो ये दोनों में फोर कॉमन है, और साथ में इस प्लस का मतलब दो माइनस होता है, इस प्लस का माइनस दो माइनस होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम मानेंगे समझने के लिए कि इस प्लस के पास दो माइनस है। ये कब देखना है, जब इससे आगे वाला साइन नेगेटिव रहे। ठीक है, तो दोनों जगहों से मैंने माइनस कॉमन लिया, यहां भी माइनस है और यहां भी दो माइनस है, तो दोनों जगह एक एक माइनस है, बाहर ले लिए, और साथ में फोर कॉमन है तो बाहर ले लिए। यहां क्या बच गया, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं, जैसे एक्स लिखे तो इसको पॉजिटिव मानते हैं, दो लिखे तो प्लस टू मानते हैं ना, तो अब ब्रैकेट के अंदर सिंपल सा जो चीजें हैं उसको हम रख देंगे, तो माइनस फोर मैंने बाहर लिया तो यहाँ एक्स बच गया। अब यहां देखिए यहां प्लस नहीं रहा क्योंकि मैंने एक माइनस ले लिया, इसको माइनस के फॉर्म में हमने तोड़ दिया, तो एक माइनस लिया तो क्या बच गया, एक और माइनस बच गया, तो यहां माइनस और यहां क्या बच गया, दो। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस टू दोनों जगह कॉमन है, तो फिर से बाहर दे दिए, यहां क्या बच गया x और यहां क्या बच गया माइनस फोर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कर सकते हैं आप, बोल तो सकते नहीं, कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन सेम बेसिक जैसे आपका पिछला दो सवाल था, सेम उसी तरीके का है, और इसको हम क्वाड्रेटिक, इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक मतलब दो डिग्री वाला। ठीक है, तो स्प्लिटिंग करके सीख रहे हैं, तो आपको सारा चीज पता है कैसे करना है। तो 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 सेम क्वेश्चन है, पहले आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनने पे ही इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, तो हम क्या करते थे, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब देखिए कई बार जब आप क्वाड्रेटिक जैसे नाइन्थ में पढ़िएगा, आपको लग रहा है यहां पढ़ के काम खत्म हो जाएगा, नहीं, नाइन्थ में जब पढ़िएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखता है, 9x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 22 x, तो बहुत सारे जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। ए बी सी कहने का मतलब मैंने क्या लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब हमेशा डिग्री टू वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इससे इसको कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब इससे इसको कर दिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गया, ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 चली जाएगी। आप अगर पढ़े हैं तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ab x का पावर क्यूब, तो ये क्वाड्रेटिक रहा कहां,
ये तो आपका क्यूबिक के फॉर्म में चला गया। तो इस चीज को ध्यान रखना। बहुत सारे समझदार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बिना देखे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टर्म टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो 9 × 8 किए तो हमारा 72x² आया, वो भी किसमें, पॉजिटिव में। मतलब दोनों नंबर को या तो प्लस में रखेंगे या फिर दोनों को माइनस में रखेंगे, तभी हमारा 70 प्लस में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हमें तोड़ना है 72 को। फैक्टराइज करेंगे 2 से कितने बार में, 36 बार में, फिर 2 से करेंगे कितने बार में, 18 बार में। आप देखिए ये -18 और 2 गुना 2 ये मतलब 4, तो -18 और -4 -22 होगा, ठीक है। तो लिखिए 9x² -18x -4x +8। कोई दिक्कत समझ में? आपको ये नंबर इस हिसाब से अरेंज करना है कि आपको इजिली कॉमन कुछ दिख जाए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आप किस तरीके से उसको करते हैं, ठीक है। तो दोनों जगहों पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक तो 9 कॉमन दिख रहा है। अगर इस 18 को देखते हैं तो 9 × 2 होता है, इस 8 को देखते हैं तो 4 × 2 होता है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना तो नहीं चाहिए, आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, क्लास 7 में नॉर्मल ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन आपको सीखनी थी, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं और उससे बेसिक बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे ये 9 कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, दोनों जगहों पे 9 कॉमन है और एक्स कॉमन है, ये दिख रहा है 9 और ये हमारा एक्स दोनों जगहों पे। तो 9x बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, यहाँ क्या बच गया -2, 9 × 2 = 18। अगर आपको दिक्कत है तो आप वापस से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 9x × x, 9x² 9x × -2 -18x, हाँ सही है मेरा निकाला हुआ फैक्टराइजेशन। अब देखिए दोनों जगह पे -4 को कॉमन लेंगे, सेम चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिछले बारे में मैंने बताया था अगर आगे माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस को 2 माइनस के फॉर्म में तोड़ देंगे। दोनों जगहों पर -4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, यहाँ से एक माइनस मैंने बाहर ले लिया है, तो एक माइनस इसके पास भी बच गया और साथ में, कोई टेंशन, बात को समझने में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों जगहों पे कॉमन है तो पूरे टर्म को बाहर ले लेंगे, जो बच जाएगा कहाँ दिखाएगा, अंदर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर, 9x - 4। तो बहुत इजी फैक्टराइजेशन है ये सब, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।